मैं कल बोला और आज भी बोला, मेरे इनका एक है वो से क्या बनेगा, ये आपकी होगी आपका है, ये हमारी होगी हमारा है। अगर ये हमारा, अगर ये बाद में हमारी निकली तो हम कुछ यहाँ होगी, यहाँ हमारी हमने थोड़ा बोला कि हमने बोला था, आप ले जाओ। आपने किसको पूछ के दिलवाई फिर? ये किसको पूछ के दिलवाई फिर आपने? ये कल को अगर उनकी आती है फिर किसको पूछ के दिलवाई आपने? आपकी अथॉरिटी से डली है ना ये, यहाँ से किसको पूछ के दिलवाई आपने? आपकी फिर 186 की कार्रवाई होनी चाहिए। आप गलत मैसेज सेंड कर रही हो दो लोगों को। मैं डीसी साहब करो, मैं जवाब दूंगा। हाँ आप बोलियो, मैं डीसी साहब को, ठीक है आप करो कार्रवाई, मैं जवाब दूंगा। आप बोलियो, मैं डीसी साहब को फोटो भेजूंगा। अगर ये डीसी साहब को फोटो भेज दे, इन्होंने भेज दे, इनको 6 महीने हो गए भेजते हुए। इसको डिमोलिश होगा जब जल छुटे। मुंशी जी, मुंशी जी अब लिखो, ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिखो, इनके ब्लैंक पेपर लाओ, ब्लैंक पेज लाओ। आपने ये इसको डिमोलिश करो, ये जहाँ पे जो सामने जो पीएमजी बाइक के अंदर नहीं है ना, उसको डिमोलिश कर देना, ठीक है? ये इनका आप डिस्प्यूटेड लैंड है, डिपार्टमेंट को लिखो। ये डिपार्टमेंट यार आपने ऐसे डाला, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की बात ही नहीं है। कहाँ से नहीं, आप भी काटो जो अब है, जहाँ तक है आप भी काटो, अभी नहीं है फिर काटो सर, इसको ले जाओ। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, वीडियो बनाओ, हमारे आप लग रहे हो गुरु मेहनत। देखो यार, अगर हम उनसे बात करें सर जी, कोई करो कहो कुछ मानते बना सुनो ते फोन से फोन से नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सब डिवीजन छात्रों के इलाका गुरीनाल में। अभी मेरे साथ यहां पे दो बंदे जुड़े हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि ये आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां पे कुछ साल पहले जो है एक चश्मा हुआ करता था जिसके ऊपर पूरे गाँव का माल मवेशी जो है पानी पिया करता था। आए मजीद जानते हैं इन लोगों से है कि आखिर इन लोगों को आज मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं और जरा ये बताइए कि आप उनको क्यों आज मीडिया के सामने आना पड़ा। ठाकुर भाई, मैं वाजिद हुसैन शेख, सनाम मोहम्मद शफी शेख, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। और यहाँ पे मसला ये है कि जब यहाँ पे रोड आया तो यहाँ पे हमारे सरपंच साहब है, उन्होंने खुद यहाँ ये तोड़ के एक रास्ता बनाया। और बिल्कुल हमने दो उसी दिन जो है, ये जो है हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है, हमारी एंसेस्टर लैंड है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या है कि जब ये कोविड का मामला आया, कोविड के मामले में हम जम्मू थे, तो इन्होंने ये जो हमारे क्या नाम है इनका, गुलाम अहमद शेख है, उन्होंने जो है हमारी जमीन में आके कब्जा कर दिया। तो हमने उसी टाइम, हमें जब पता लगा कि ऐसा हो रहा है, तो हमने उसी टाइम जाके तहसीलदार एसडीएम छात्रों में एप्लीकेशन दे दी, तो उन्होंने रिपोर्ट करके तहसीलदार साहब को दे दी। तो तहसीलदार साहब ने बनाया उसका लेटर कि आप साइड पे चले जाओ, लेकिन कोविड की वजह से तहसीलदार साहब ने स्टेटस को रखा यहाँ पे कि तब तक कोई ना कोई हाथ लगाएगा, ना कुछ बनाएगा, ना कोई हाथ लगाएगा यहाँ पे। हम जो है हम अपने कानून के मुताबिक घर में बैठे रहे, लेकिन ये जो यहाँ पे हमारे सरपंच साहब और उनके भाई साहब है जो गुलाम कादिर शेख है और गुलाम मोहम्मद शेख है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जबरदस्ती जो है ये बना लिया। तो हालांकि डिपार्टमेंट में 4 कमीशनें अभी तक बनी, लेकिन एक कमीशन में भी अभी तक वो यहाँ पे मतलब यहाँ साइड पे नहीं पा। आज पहुंचे हैं वो भी एक ठेकेदार साहब भिटमिनस डाल रहे थे। तो जो रोड है अलाइनमेंट,
वो रोड वहाँ से डाला ही नहीं, लेकिन जो लोगों की जमीन है, जो हमारी जमीन है, वहाँ पे बिटुमिनस डाल दिया। मैं सिर्फ आपके माध्यम से डीसी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इससे भी अपील करना चाहता हूँ कि ये गांवों में अगर इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं, इस स्टेट लैंड को कवर किया जा रहा है, हर जगह को कवर किया जा रहा है, मसला क्या है? वहां से तो हमें कहा जाता है, आज आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिले, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ कहना है? एडमिनिस्ट्रेशन का आज हमारे 18 आज के लिए उन्होंने कमेटी रखी थी, तो उनको कुछ पर्सनल शायद कुछ वजह की वजह से वो यहाँ नहीं आया पाए। लेकिन जब हमने देखा कि रात को ठेकेदार आता है, एक मुंशी आता है, वो रात को आता है और रात में डाल देता है बिटुमिनस ताकि हमें पता ना चले। जब हम सुबह आते हैं तो यहाँ बोलते हैं नहीं जी, हमें भी दुकानदारों ने बोला। अब मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई यहाँ पे आया? हाँ, नए तहसीलदार साहब आए हैं, एसआई साहब आए हैं। अब तहसीलदार का नाम आबिद हुसैन शेख हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसी गाँव में रहता हूँ। यहाँ कुछ मतलब एक साल से पहले जो यहाँ पर एक पब्लिक स्टैंड एमजी नरेगा के बना था और भी फंड में उसमें पैसा लगा था, यहाँ एक चश्मा था, एक बंदोबस्ती रास्ता था जिसके साथ 4 या 5 गांव जुड़ते थे, वो रास्ता था और चश्मा बना हुआ था, बाथरूम बना हुआ था और साथ में मस्जिद का 20 फुट का ग्राउंड भी था। उसके बाद जब ये रोड यहाँ पहुंचा तो हमने रोड अलाइनमेंट के बाद उस वक्त भी ग्रीवेंस सेल में हमने एक एप्लीकेशन डाल दी, ये रोड के अलाइनमेंट के बाहर जा रहे थे, उस वक्त हमने रोका। तो उसके बाद नहीं पता ग्रीवेंस सेल स्टे था, कमीशन को भी फोन किया, मैंने कहा इधर ये बोल रहे हैं पीछे डालने के लिए, डालो या नहीं? बोलता डाल दो, 10-1 फुट लगता है, डाल दो। शारिक जो ठेकेदार इसका है रोडी। यहाँ पे आपने इसका जगह का स्टेटस देखा? ये स्टेट जगह है, मुझे क्या पता था, इस पे पर लाना है। देखो पहले पता होता है, आगे वो लोगों को पता, मुझे यहाँ पे आए हम, कल इनके सामने हो गया कि यहाँ कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये अब झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। और सर कायम तो सुन, आपने उन्हें बोला था आपको फोन का, आपने लेकिन जयालत का सही तो करना सुजवाना मेमो टेक कौन तुम कैसे आप उस समय वो ये लेटर निकलेगी, ये देखो 4 लेटर निकलेगी इनके सामने। हुई थी ये बात ना? नहीं हुई थी। तहसीलदार साहब कल तहसीलदार साहब को फोन करो आपसे, ये है ना खुदा के यहां से तीन लोग आए थे, देखो मैं यहां से काम करते करते ओ मोड़ तक निकल गए। ये स्टेट लैंड है, क्या है शामिल है, क्या गलियारे बनी है, मस्जिद बनी है, सब कुछ बना था, मुझे नहीं पता था। लेकिन सर आपके आपके सामने बोला इसमें नहीं डाल, ये इधर ही थे सर, इनके सामने हमने कल यहाँ बंद करवाया, ठेकेदार ने खुद बोला हम नहीं डालेंगे, सुबह आपने डाला, जब ठेकेदार ने बोला नहीं डालेंगे। मुझे सुबह एक आदमी भी बोलता था, हम में से कोई था, हम में से कोई था इधर, हम मत थे सर, हम इसलिए आए, हमने लड़ाई नहीं करनी है। सवाल तो ये कि आप ये बंद करो, यहाँ से आगे मत डालो, वो भी बोलता कि बंद करो। अच्छा छोड़, लेटर जब निकला है फिर वो आप के खिलाफ क्यों कर रहे हो? ये चीज आप अगर आपको नहीं है, आप मशीन लाओ, ये उखाड़ दो, हमारे बात सुनो, ये इनसे बात, ठेकेदार साहब से बात हुई है, बोल रहे हमें इनके कुछ लैंड का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये तो डिस्प्यूटेड लैंड है, इसके ये कागज है, ठीक है। और बोलते मस्जिद का रास्ता मस्जिद है। अच्छा मैंने ठेकेदार को फोन किया, बोलता है डालो 10 फुट जो मस्जिद का स्टेट है सामने, वो जाने आप पैसे खुद भरेगा नहीं, ये तो आप क्या बोलते हैं बिना उनकी परमिशन के नहीं डाल सकते ना आपने, ये तो इसमें आता नहीं आपके ठेके में ना, 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 ना। इसमें आपने कैसे डाल दी? ना जेई ने माना ना पेमेंट होगी इसकी, यहाँ से कुछ नहीं, ठेकेदार के खाते, ठेकेदार ने डलवाया अपनी, मत जाओ आप जा रहे हैं तो ये क्यों नहीं जाएगा, ये मेरे साथ आना आना है, किसने बोला सरकार हमारी है? हमारा ये तालुक नहीं है, लेकिन हमने आज तक कोई FIR नहीं की यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि हम इतना कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ताकि गवर्नमेंट का निकले, गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है गवर्नमेंट निकलेगा, मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को दे दो, हमारा निकलेगा हमें दे दो।
लाओ चाहिए को, लाओ चाहिए को। एक मिनट यार, बोला यहाँ से इधर ये हमारे अंडर नहीं है। आप कैसे बोले उसके अंडर? मैंने बोला ये पीएमजी, ये थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। ये पीएमजी के अंडर फिर जो है जिसपे ब्लैक टॉप पड़ा, ये पीएमजी के अंडर है। ये यहाँ से ये झगड़ा है, यहाँ से मैं झगड़ा है। पीएमजी अंडर है, पीएमजी के अंडर है ना? नहीं है तो पीएमजी, ये पीएमजी नहीं है। ये जो जब इन्होंने रोड बनाई, ये रोड जब ये सेंक्शन थी, ये यहाँ से आगे थी। अच्छा ठीक है, ये आगे मकानों के लेके ये आगे तक सेंक्शन थी रोड। जब इन्होंने रोड यहाँ शुरू की तो उन्होंने हंगामा, नहीं जी यहाँ नहीं मकान जी कुछ होगा, यहाँ नहीं वो छोड़ा आप यहाँ नहीं बात करो। जिसपे ब्लैक टॉप पड़ा ये पीएमजी के अंदर है, ये इसके नीचे ये नहीं है, यहाँ से उधर नहीं है। इधर आ यार, ये में तो आज पीएमजी के अंडर नहीं है भाई, यहाँ से बोला यहाँ से ये थी। चलो क्या परवाह नहीं, जेई साहब को लाएंगे तो उधर है, उधर मसला ही नहीं हमारा। ये डीजल उठाएंगे हम, किसी साहब को फोटो डाल देंगे। हाँ हाँ डालो, हम इधर हैं, डालो बिल्कुल। ये पीएमजी उसके भाई, पीएमजी के अंदर है। ठीक है, अगर वो पीएमजी के अंदर है, झूठ है। लाओ सर, ये झूठ है सर, पीएमजी के अंदर है, झूठ है। चल अगर सर, सर पीएमजी के अंदर है यार, एक्सेप्ट लाओ सर, अभी फोन करो। लाओ सर, लाओ सर, यही साहब को लाओ, यही को लाओ। अगर होगा मेरे कहने इन्होंने नहीं बताया आपको, ये तो रोड में आता ही नहीं, आप ही बोल रहे थे अभी तक। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने यहीं का मकामी सरपंच जुड़ा है, इनसे भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ का मकामी सरपंच है, इसने जाबराना जो है इस पे कब्जा किया है। सर इसके ऊपर क्या कहना है आप? सर मेरा क्या, ये तो पीएमजी वालों का मसला है, मेरा इसने क्या जाबराना कब्जा है? मेरे तो दुकान 6 साल के बने हैं, 8 साल के बने हैं मेरे इन बच्चों के। ये तो पीएमजी ने डाला है, लोग मैंने तो नहीं डाला, मैं तो ठेकेदार हूँ नहीं। मैं किसी को बताऊंगा, आप ऐसा करो वो करेंगे, उनको पता। इन लोगों का साहब ये भी कहना, मुंशी का ये भी कहना था कि यहाँ से आगे जो 20 या 30 फुट में जो ब्लैक टॉपिंग हुई है, ये आप सरपंच ने ही बताया कि इस पे आप डाल दो, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? जी कुछ नहीं, मैंने नहीं बोला है, किसी को मैंने कुछ नहीं बोला है। हमने सरपंच से भी बात करने की कोशिश की, मगर बराई सरपंच साहब ने जो है अधूरी बात करके हमारे साथ पूरी बात नहीं की है। तो अभी तक आप इन लोगों का सुन रहे थे, हमारे साथ अभी छात्रों के नायब तहसीलदार साहब जुड़े हैं, इनसे भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या कुछ है। ये बताए कि जो इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने जो यहाँ पे आप लोगों की तरफ तहसील की तरफ से जो नोटिस निकली थी, उस चीज की खिलाफ फर्जी की है, इस विषय पे आपका क्या कुछ कहना है सर? देखो जी, हमने कमीशन बनाई थी, ये ग्रीवन सेल में उधर से आर्डर आया है जी, इसकी कमीशन बनाओ, फिर एसडीएम साहब तहसीलदार ने कमीशन रखी है जी। आज मदर इला पटवारी की डेथ हो गई जी, आज कमीशन रखी थी हमने इसको मापने, तब तक इन्होंने रातों रात लुक लगाया जो डिस्प्यूट एरिया है जी। जो डिस्प्यूट वो पीएमजी की रोड नहीं है, पीएमजी रोड उस मोड़ तक है, उधर से हमने ठेकेदार को पूछा गया, मुंशी को पूछा गया, कहता हमने अपनी मर्जी से किया। इन लोगों ने कानून की जो है वायलेशन की है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्या कुछ इकदाम उठाए सर? अब इनको हम जो ये सरपंच साहब है, दूसरा कैंडिडेट है जो, उस पर और मुंशी को लिख कर लेंगे हम कि ये डिमालिश करना है जो लुक लगाया इधर, और जो दुकानें शुकाने बनाई है कहीं कहते हाजी साहब ने बनाई, जो भी डिस्प्यूट में निकलेगा स्ट्रेट लेन रोशनी या चरागा, हम डिमालिश करेंगे। सर हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अभी तक आप सुन रहे थे नायब तहसीलदार, छात्रों का भी साफ यही कहना है कि इसके ऊपर जो है झगड़ा चल रहा है, उसके बावजूद भी इसको रात में ही इन लोगों ने जो है मैकडम बिछा दी गई है। आप जुड़े रहे हैं बोल्ड वॉइस के साथ, दीजिए इजाजत कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज गुरिनाल, छात्रों किश्तवाड़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की